इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जेड ट्रांसफॉर्म। अब तक हम पढ़ चुके थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करने के लिए आता है। ये कौन से सिग्नल्स के लिए यूज होता है? केवल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। किस तरह के सिग्नल्स के लिए यूज होगा ये? केवल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए केवल ये यूज होगा। लाप्लास होता था कंटिन्यूअस के लिए, फोरियर क्या होता था? दोनों के लिए होता था, कंटिन्यूअस भी और डिस्क्रीट भी। जेड ट्रांसफॉर्म किसके लिए यूज होता है? डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा अगर सिग्नल एक्स एन है, हमारा सिग्नल एक्स ऑफ एन है डिस्क्रीट, देन उसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड जिसको हम लिखेंगे किससे? जेड टी, जेड से जेड, टी से ट्रांसफॉर्म। इसको लिखने का तरीका कैपिटल एक्स देन वो वेरिएबल, जैसे लाप्लास में एस होता था, फोरियर में ओमेगा लेते थे या ई की पावर जे ओमेगा लेते थे डिस्क्रीट में, यहाँ पे क्या लेंगे जेड ट्रांसफॉर्म में? जेड वेरिएबल। इसका जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है? समीशन डिस्क्रीट है तो समीशन आएगा n इक्वल्स टू माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी एक्स ऑफ n इनटू z की पावर माइनस n। अब ये यहाँ पे z क्या? z यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। z क्या? हमारा एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो किसके इक्वल होता है? r e रेज टू द पावर j ओमेगा के। अगर यहाँ से इसका मोड ऑफ z निकाला जाए, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसमें है? पोलर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है इसकी? पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है। पोलर फॉर्म कैसे पहचानी? एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं कितना हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा e की पावर j ओमेगा, तो 1 होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा डायरेक्ट? r के। और इसका एंगल कितना हो जाएगा? एंगल ऑफ z कितना हो जाएगा? जो j के साथ लिखा होता है वही उसका एंगल होता है पोलर फॉर्म में, तो इसका एंगल कितना आ जाएगा? ओमेगा। तो हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड और ओमेगा आ गया। जब मैं इसको z प्लेन में ड्रॉ करता हूं वो किस टाइप का दिखेगा? अगर हम इसको ड्रॉ करें Z प्लेन में, तो ये होगा इसका Z प्लेन। ये कौन सा एक्सिस होगा? रियल ऑफ Z, जो Z का रियल पार्ट होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आएगा, जो वर्टिकल एक्सिस पर क्या आएगा? इमेजिनरी, क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो इसका जो मोड ऑफ Z कितना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है? R, यानी ये एक सर्किल होगा जिसका जो रेडियस होगा आर होगा, और ओमेगा क्या डिफाइन करेगा उसमें? एक एंगल को। तो ये आर रेडियस का हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया, जहां पे ये क्या बता रहा है? ओमेगा एंगल, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया? जेड प्लेन हो गया। जेड प्लेन समझ आया? क्योंकि सब कुछ जो कहानी चलेगी इसी प्लेन पर चलने वाली है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये इसकी रेडियस है आर रेडियस का, ये सर्किल बनेगा जहां पे ये ओमेगा क्या करेगा? एंगल बताएगा, ठीक है। ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आर क्या रहने वाला? कांस्टेंट रहने वाला। इस तरह के जेड ट्रांसफॉर्म को क्या कहते हैं हम? बाई डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शन या बाई लेटरल। क्यों कहते हैं इसको? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी दोनों साइड आ रही है। अगर एक साइड आती है तो उसको कहा जाता है यूनिलेटरल। इसका ये कौन सी किसके लिए है? इसको कहेंगे किसके लिए? ये बाई लेटरल, ठीक। अगर एक साइड यानी जीरो टू इंफिनिटी होता तो उसको कहते हैं यूनिलेटरल। इसको लिख देते हैं x ऑफ n हमारा सिग्नल है, उसका z ट्रांसफॉर्म में लिख देता हूँ यूनिट डायरेक्शन के लिए भी, वो डायरेक्ट पूछता है कभी कभी फॉर्मूले में। बस क्या हो जाएगा? n कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ही जो वैल्यूज होंगी उनको लेंगे, x ऑफ n e सॉरी z की पावर माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यूनिलेटरल
Z ट्रांसफॉर्म, ठीक। तो ये कहानी है सारी, अभी तक समझ आई होगी। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता था, आरओसी होती थी, यहां पे भी क्या होगी, आरओसी होगी। अब देखो यहां पे आगे बढ़ते हैं इससे ऊपर। अगेन मैं स्टार्ट करता हूं फॉर्मूला लिख के, जो एक्स ऑफ एन है का जो जेड ट्रांसफॉर्म है वो क्या होता है, एक्स ऑफ जेड n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n और z की पावर माइनस n। हमें पता है, इसमें रख दो, थोड़ी देर फॉर्मूले में रख दो, पुट z इक्वल्स टू r e की पावर j ओमेगा, इस फॉर्मूले में रख दो, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, x ऑफ z क्या बन जाएगा, ये n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n और z की वैल्यू कितनी है, r e की पावर j ओमेगा की पावर, इस सब की पावर क्या, माइनस n। तो इस माइनस n को मैं क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अंदर वाले फैक्टर्स पे, तो ये क्या हो जाएगा, समीशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n, ये हो जाएगा r की पावर माइनस n और e की पावर माइनस j ओमेगा n, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इस चीज को ध्यान से देखो, जो r की पावर माइनस n वाला टर्म आ रहा है, ये टर्म हमें क्या बता रहा है, r की पावर माइनस n के टर्म को यहाँ पे कहा जाता है क्या, r की पावर माइनस n को कहा जाता है कन्वर्जेंस फैक्टर। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस फैक्टर। ये क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है x ऑफ z के लिए, ठीक है। यानी जो x ऑफ n अगर हमारा स्टेबल, अगर फाइनाइट नहीं है तो ये क्या बना देगा, उसको फाइनाइट बना देगा, फाइनाइट कहें तो स्टेबल बना देगा। तो यहां पे देखो, r की पावर माइनस n अगर हमारा z ट्रांसफॉर्म एग्जिट कर रहा है, तो एक्स एन इंटू आर की पावर माइनस एन क्या होना चाहिए, हमारा फाइनाइट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, यानी बाउंडेड होना चाहिए। अगर इफ पॉइंट बना के लिखो, इफ एक्स ऑफ जेड एग्जिस्ट, देन इसका मतलब क्या है, जो एक्स ऑफ एन है इंटू आर की पावर माइनस एन शुड बी बाउंडेड। अगर ये बाउंडेड नहीं है तो कैलकुलेट कैसे कर पाएंगे, जैसे हम फोरियर में कैलकुलेट करते थे। फोरियर का अगर तुम ध्यान से देखो, ये लगभग फोरियर का फॉर्मूला ही है, वहां पे भी एक्स ऑफ एन होता था, ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन का टर्म होता था, केवल आर की पावर माइनस एन का टर्म नहीं होता था डिस्क्रीट डीटीएफटी में। अगर इसी फॉर्मूले में मैं आर की जगह मैं वन पुट कर दूं, इफ अगर आर इक्वल्स टू वन मैं पुट कर दूं, तो ये फॉर्मूला किसमें रिड्यूस हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड, एक्स ऑफ जेड किसमें रिड्यूस हो जाएगा, समीशन एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्स ऑफ एन इंटू ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, वन की पावर माइनस एन तो वन ही होगा। तो ये क्या है, अगेन डीटीएफटी बन गया। इसका मतलब x ऑफ जो z ट्रांसफॉर्म है और DTFT है इक्वल हो जाएंगे, जब क्या होगा, r की वैल्यू 1 होगी। ये किसके इक्वल होता, DTFT ऑफ x ऑफ n, यही फॉर्मूला होता था, वहां पे हम पढ़ते थे पिछले सिग्नल लेक्चर में पढ़ गए। तो जो z ट्रांसफॉर्म है और DTFT है, दोनों इक्वल हो जाते हैं कहां पे, r इक्वल टू 1 पे। r इक्वल टू 1 मतलब यूनिट सर्कल, आर इक्वल्स टू वन का मतलब क्या है, यूनिट सर्कल। जो हम डीटीएफटी कैलकुलेट करते थे वो यूनिट सर्कल पे इतना कैलकुलेट करते थे, रियल ऑफ जेड इमेजिनरी ऑफ जेड लिखेंगे यहां पे। अगर हमारा आर इक्वल्स टू वन है
रेडियस वन का यहाँ पर खींच दो, ठीक है, ये सर्किल अगर इसकी रेडियस वन है, आर इक्वल्स टू वन, ये ओमेगा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म और जो डी टी एफ टी है इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब है जब अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म यूनिट सर्कल पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इसका मतलब क्या है, हम डी टी एफ टी कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी जो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे डी टी एफ टी में वो इक्वल हो जाएंगे किसके, जेड ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूलों के, अगर हम जेड ट्रांसफॉर्म यानी आर इक्वल्स टू वन है वहां पे यूनिट सर्कल पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो जो हमारे फॉर्मूले जेड ट्रांसफॉर्म के आएंगे उसमें मैं क्या कर दूंगा, जेड इक्वल्स टू आर ई की पावर जे ओमेगा होता है, आर इक्वल्स टू वन रख दिया मैंने तो जेड इक्वल्स टू ई की पावर जे ओमेगा, ये क्या आ गया, रिलेशन आ गया बिटवीन डी टी एफ टी एंड जेड ट्रांसफॉर्म। अगर आर इक्वल्स टू वन है तो दोनों में रिलेशन क्या है, ई की पावर जे ओमेगा को जो टर्म था हमारा डी टी एफ टी में वहां पे मैं उसको किससे रिप्लेस कर दूंगा, जेड, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जेड ट्रांसफॉर्म और डी टी एफ टी का सेम हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी समझ आई होगी, नेक्स्ट इस वीडियो में ये इसका बेसिक्स था, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जिस तरह से लाप्लास में होता था आर ओ सी हुआ करता था, इसी टाइप से इसका भी आर ओ सी होता, वहां पे भी कोजल कंडीशन कब होती थी, स्टेबिलिटी कब होती थी, वो सब बात करने वाले हैं, इसमें भी वही कुछ होगी, ठीक है, वहीं से कंपेयर कर करके इसका भी हम बनाने वाले हैं। आई होप आप लोगों को ये बेसिक समझ आया होगा, इस फॉर्मूल इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आरओसी के बारे में, आरओसी किस टाइप की होती है, कहाँ पे होती है, ये सब बताने वाले हूँ मैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।